काल पूरे भारत में लोकतंत्र का ये बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और उसमें क्रमवाइज रूप से पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सब लोग उत्साहित हैं। आज हमारा तीसरे चरण का मतदान है जो मध्य प्रदेश का है और उस तीसरे चरण में बहुत उत्साहित हैं जितने भी युवा हैं, युवतियां हैं और सनातन के जो मानने वाले हैं। विशेषकर उसमें आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जो जीते हैं वो सब उत्साहित हैं और उनका एक ही मन है कि जो इस देश में सनातन को लेकर के चल रहा है, जो इस देश में सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास और सबको एक साथ लेकर के चलने का जिनका मन है वो है माननीय मोदी जी। और पूरा देश ये चाहता है कि पिछले 10 वर्षों से इस देश में राष्ट्र की जो हमारी सुरक्षा है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से बनी हुई है, पूरा देश सुरक्षित है, कहीं से कोई आतंकवादी नहीं घुसा, कोई अशांति नहीं हुई। ऐसी परिस्थितियों में पूरा देश चाहता है कि पुनः तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाए और बहुत ताकत से पुनः इस देश का संचालन करें, ऐसी पूरे देशवासियों की भावना है। और हम सब जितने भी इस देश में जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हम सब का आह्वान है ये कि आओ हम सब लोग मिलकर के इस देश के लोकतांत्रिक महायज्ञ में हम सब मिल करके और अपनी आहुति डाल करके भारत के भाग्य को उदय करें, राष्ट्र को मजबूत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ सब जितने भी देशवासी हैं उनको आह्वान है कि सब काम छोड़ करके पहले अपना मताधिकार का प्रयोग करें, उसके बाद में जलपान।